हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है एफिनिटीज विद प्लेकोडर्म्स ऑफ होलोसेफेली। यानी इससे पहले वाले टॉपिक में हम होलोसेफेली का जनरल कैरेक्टर्स बताए थे। अब वो होलोसेफेली का एफिनिटीज प्लेकोडर्म से क्या है, यानी दोनों के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, होलोसेफेली और प्लेकोडर्म के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटी है। तो प्रेजेंस ऑफ लार्ज टूथ प्लेट, यानी दोनों में टूथ प्लेट पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ लॉन्ग टेल, दोनों में लॉन्ग टेल पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ प्री पेल्विक क्लैस्पर्स इन मेल, यानी दोनों के मेल में पेल्विक गर्डिल से पहले क्लैस्पर्स पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज लेबियल कार्टिलेज, लार्ज लेबियल कार्टिलेज, लेबियल पाल्प जो माउथ में होता है, ये कार्टिलेज पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ ए पेयर ऑफ रोस्ट्रल प्रोसेस टू सपोर्ट स्नाउट, क्योंकि स्नाउट जो है फ्लैशी होता है, यानी गुदादार होता है, उसको सपोर्ट करने के लिए दो रोस्ट्रल प्रोसेस होता है जो कि उसको सपोर्ट का काम करता है। तो ये पांच कैरेक्टर्स बेसिकली ऐसा है जो प्लेकोडर्म्स और होलोसेफेली दोनों में पाया जाता है, दोनों के बीच में ये सिमिलैरिटी को शो करता है। एफिनिटीज विद डिप्नोई, डिप्नोई इज ए क्लास दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो प्रेजेंस ऑफ अनकंस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड मीन्स अनकंस्ट्रिक्टेड, बाकी एनिमल में इस तरह से कंस्ट्रिक्शन होता है, इस तरह से कंस्ट्रिक्शन होता है, बाद में यही वर्टिब्रल फॉर्म के फॉर्म में लेता है। तो यहां दोनों एनिमल यानी डिप्नोई और होलोसेफेली दोनों में अनकंस्ट्रिक्टेड नोटोकॉर्ड पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ क्रशिंग टूथ प्लेट, टूथ प्लेट जो फूड को क्रश करने में मदद करता है, ये दोनों एनिमल में पाया जाता है, दोनों क्लास ऑफ एनिमल। बोथ हैव सेम टाइप ऑफ स्कल दैट इज होलो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन और पैटर्न ऑफ स्कल, जैसे आइदर मोनोकंडाइलिक, डाइकंडाइलिक, और ये दोनों में पाया जाता है। एफिनिटीज विद टीलियोस्ट्स, टीलियोस्ट फिश, प्रेजेंस ऑफ ओपरकुलम, दोनों में ये इस तरह से है, यहां पर गिल बास्केट है ये, और ये गिल बास्केट इस तरह से एक लिड के जरिए ढका हुआ है, इसी को ओपरकुलम कहते हैं, दोनों में पाया जाता है। बोथ हैव सिंगल एक्सटर्नल ब्रैंकियल चैम्बर, यानी ये ब्रैंकियल चैम्बर हो गया पूरा, दोनों में है। स्पाइरकिल एब्सेंट इन बोथ, क्लोएका एब्सेंट इन बोथ, फोर कंप्लीट एओर्टिक आर्चेट सप्लाइंग ब्लड टू फोर गिल ओपनिंग्स, मींस ये चार गिल ओपनिंग जो होता है ये एओर्टिक आर्चेट के जरिए होता है। ये पांच कैरेक्टर्स हैं जो टीलियोस्ट और होलोसेफेली को सेम कैटेगरी में ला करके खड़ा करता है। एफिनिटीज विद मॉडर्न शार्क, एफिनिटीज विद मॉडर्न शार्क, बोथ हैव स्मूथ एंड सिल्वरी स्किन, यानी दोनों का स्किन जो है वो स्मूथ होता है और सिल्वरी कलर का होता है। बोथ हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, दोनों के केस में जिस तरह से शार्क में कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, उसी तरह से होलोसेफेली में भी होता है। बोथ हैव एंसेस्टर्स एंड रिबलेस वर्टिब्रल कॉलम, यानी जिस तरह से एंसेस्टर, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वर्टिब्रल कॉलम होता है दोनों के केस में। बोनी जॉज एब्सेंट इन केस बोथ, मींस बोथ आर अगनेथा, बोथ आर गनेथा, गनेथो एस्टोमेटा, बट जॉज आर नॉट बोनी, एंडोस्केलेटन मींस कार्टिलेजिनस। बोथ हैव ए पेयर ऑफ क्लैस्पर्स पोस्टेरियर टू पेल्विक गर्डिल, दोनों के मेल में पेयर ऑफ क्लैस्पर्स होता है, क्लैस्पर मेल में पाया जाता है, ये भी एक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखाता है, यानी मेल और फीमेल को अलग करने का तरीका। क्लैस्पर इज ए होल्डिंग ऑर्गन एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशंस। बोथ हैव हेट्रोसर्कल टेल, मींस ये टेल है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, तो इस तरह के फिन का जो अरेंजमेंट होता है, एक छोटा लोब हुआ, एक बड़ा लोब हो गया, इसको हेट्रोसर्कल कहते हैं। एयर ब्लाडर एब्सेंट इन बोथ,
यानी दोनों में एयर ब्लैडर नहीं होता है। इंटेस्टाइन ऑफ बोथ हैव स्पायरल वेल्व, स्पायरल वेल्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटेस्टाइन में इस तरह से स्पायरल वेल्व होता है जो कि फूड को कंप्लीट डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बोथ हैव कोनस आर्टेरियोसस विद थ्री रोज ऑफ वेल्व, ये हर्ट है यहाँ पर, ये इस तरह से बना हुआ है, इसी को कोनस आर्टेरियोसस कहते हैं, यहाँ पर वेल्व होता है। बोथ हैव एक कैप्सूल्स, बोथ हैव डिस्टिंक्ट लेटरल लाइन कैनाल्स, लेटरल लाइन कैनाल्स इज ए बैलेंसिंग ऑर्गन, द पैटर्न ऑफ एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फॉर्मेशन ऑफ फिन्स एंड गर्डल्स आर सेम इन बोथ केस, मीन्स एक्सक्रीटरी ऑर्गन और पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ पिन्स और गर्डल्स बोथ हैव सेम पैटर्न। एफिनिटीज विथ प्रिमिटिव शार्क, होलोसेफेली का प्रिमिटिव शार्क से क्या क्या सिमिलैरिटीज है। बोथ हैव हेट्रोसर्कल टेल, जैसा कि पहले बताया हेट्रोसर्कल किसे कहते हैं। बोथ हैव वेंट्रली प्लेस्ड माउथ, दोनों में माउथ जो है ये इस तरह से यहां पर वेंट्रल पोजिशन में है, इसलिए दोनों में ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है शार्क का। और ये है प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ होलोसेफेली, यानी होलोसेफेली में क्या क्या प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजिनस, ये प्रिमिटिव कैरेक्टर है। परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड विद कार्टिलेजिनस आर्चेस, नोटोकॉर्ड रह जाता है यानी नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज नहीं होता है। लार्ज ऑपरकुलम और स्केल्स नहीं होता है, ये चार कैरेक्टर जो है इसमें प्रिमिटिव कैरेक्टर्स है। शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन दिया जा सकता है और या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी चार च्वाइस में बताया जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिमिटिव कैरेक्टर्स ऑफ होलोसेफेली, तो ये क्वेश्चन दिया जा सकता है। और लार्ज ऑपरकुलम, एब्सेंस ऑफ स्केल्स, ये है। स्पेशल फीचर्स, कुछ स्पेशल फीचर्स इसमें पाया जाता है, जैसे जॉ सस्पेंशन इज होलोस्टाइलिक, होलोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन किसे कहते हैं, अपर जॉ जो है इमोवेबल होता है, जैसा कि जनरल कैरेक्टर ऑफ होलोसेफेली में मैंने पढ़ाया है। प्रेजेंस ऑफ फ्रंटल क्लैस्पर्स, यानी पेल्विक गर्डल में जो क्लैस्पर है वो तो है ही, लेकिन ये फ्रंट में भी ये क्लैस्पर पाया जाता है, जिसकी वजह से ये इसका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। एब्सेंस ऑफ स्केल्स, और ये जो है आपका स्केल्स नहीं पाया जाता है। ये कुछ खास सिमिलैरिटीज है जो बीच में झगड़े चलते हैं कि भाई होलोसेफेली को अलग क्लास में क्यों रखा गया, या होलोसेफेली को किससे कैरेक्टर किससे मिलता है, ये मैंने बताना मुनासिब समझा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में अगली बातें बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।